तो भाई स्वागत है आपका अपना न्यू वीडियोस के अंदर। तो देखिए ये हमारे पास में BYD की ऑटो थ्री ये गाड़ी है। तो भाई इसका कंप्लीट रिव्यू करते हैं आउटसाइड का, देखते हैं बाहर से गाड़ी किस तरीके का लुक प्रोवाइड करती है अपने आपको। तो भाई ये है इसका फ्रंट का लुक्स। तो फ्रंट में जो बोनट है वो भी काफ़ी कर्वी लुक में दिया गया है, ऐसे करके कर्व लुक्स में है। और साथ ही साथ नीचे जो एक स्ट्रिप आ रही है ये BYD के साथ में, ये आ रही है अपना सिल्वर फिनिश के साथ में, जो कि पियानो फिनिश के साथ आती है। बहुत ही प्यारा लुक प्रोवाइड करी है। ऊपर ही BYD की बैजिंग आ रही है भाई। साथ ही साथ यहाँ पे साइड में आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो ये स्ट्रिप्स जो है पूरी अपना फ्रंट लाइट से लेकर के दूसरी फ्रंट लाइट तक जाती है, जो कि इसको लुक को काफ़ी अच्छा कर रही है। बोनट के जस्ट नीचे से ही आ रही है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पे आपको DRLs मिल जा रहे हैं, जो कि टर्न इंडिकेटर्स का भी काम कर रहे हैं। तो लुक्स वाइज देखा जाए तो गाड़ी की जो लाइट्स हैं वो बहुत ही प्यारी लग रही हैं। हेडलाइट्स हैं, इनका जो लुक है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लुक है। बात कर लेते गाड़ी के बम्पर पे, तो बम्पर पे कोई भी आपको फॉग लाइट वाला सेगमेंट नहीं मिल रहा है। साथ ही साथ नीचे की तरफ आपको फॉग लाइट वाले सेक्शन पे कुछ इस तरीके का ब्लैक पियानो फिनिश की फिनिश दी गई है, जो कि अपना एरी फील कराएगी। अंदर से ऐसा लग रहा है कि एयर कंजप्शन को अंदर लेने के लिए है। साथ ही साथ यहाँ पे देखेंगे तो नीचे की तरफ आपको ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन प्रोवाइड हो रहा है। नीचे आपको ग्रिल्स मिल जा रही हैं, और ये जो ग्रिल है ब्लैक ग्रिल है, साथ ही साथ यहाँ पे रेड ग्रिल, दोनों ही कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन मिल रहा है। तो चलिए बात कर लेते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की। तो साइड प्रोफाइल से बात कर लेते हैं, साइड प्रोफाइल में गाड़ी में जो टायर है, टायर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं। टायर इसमें आपको मिलता है 18 इंचेस के टायर मिल जा रहे हैं। साथ ही साथ ये जो एलॉय व्हील्स है ये भी आपको डायमंड कट एलॉय व्हील मिल रहे हैं। आगे की तरफ क्योंकि ये इलेक्ट्रिक कार है तो यहाँ BYD की बैजिंग मिल जाती है। फेंडर के ऊपर ही आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग सॉकेट। साथ ही साथ साइड में बात कर लेते हैं, साइड में आपको जो ORVMs हैं ये अपने पूरे के पूरे बॉडी पैंट में मिल रहे हैं आपको। साथ ही साथ टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, और नीचे 360 कैमरा इनबिल्ट मिलता है, और ड्यूल टोन कलर में आते हैं ब्लैक एंड जो गाड़ी का कॉन्सेप्ट है फ्रंट में जैसे आपको मिल रहा है, इसी तरीके से यहाँ पे ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन है। ये ब्लैक पियानो फिनिश में आ रहे हैं। नीचे आपको 360 कैमरा इनबिल्ट मिल जाता है। तो भाई ये काफ़ी अच्छा सेगमेंट लग रहा है अपने को। साथ ही साथ बात कर रहे थे गाड़ी के डोर हैंडल्स पर, डोर हैंडल पर देख लीजिए आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है बॉडी पैंट में ही। प्लस में ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो अपना जो ग्लासेस हैं तो इन ग्लासेस के ऊपर तो आपको ड्यूल टोन कलर में मिल जाता है। ए पिलर, बी पिलर और सी पिलर जो है वो ब्लैक पियानो फिनिश में मिल जाते हैं। लास्ट में सी पिलर जो है आपको व्हाइट कलर में मिलता है स्क्वायर शेप के अंदर। बात कर लेते गाड़ी में क्लाइडिंग का काम किया गया, जो कि पूरा बैक साइड तक जाता है। तो टेल की बात करते हैं भाई, तो ये देख लीजिए साइड से कुछ इस तरीके का लुक गाड़ी देती है, जिसमें कि जो क्लाइडिंग है वो ड्यूल टोन में आ जाती है। नीचे की तरफ आपको रेड क्लाइडिंग मिलेगी, ऊपर उस पर ब्लैक स्ट्रिप मिल जाती है जो कि टेल तक जाती है बैक साइड तक। और यहाँ पे सी पिलर पे आप देखेंगे तो आपको एक सिल्वर फिनिश का आपको क्या है प्लास्टिक का काम मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहा है गाड़ी के बैक प्रोफाइल को। अब बैक प्रोफाइल की बात कर लेते हैं भाई, बैक प्रोफाइल पे ऊपर देख लो रूफ के ऊपर आपको रूफ रेल्स मिल जा रही हैं, जो कि सिल्वर फिनिश में आ रही हैं। साथ ही साथ आपको शार्क फिन एंटीना मिल जा रहा है, पीछे स्पॉइलर मिल जाता है, स्पॉइलर में LED स्टॉप लाइट मिल जा रही है, नीचे डिफोगर्स हैं, रेन वाइपर्स हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको बिल्ड योर ड्रीम्स की बैजिंग मिल जा रही है BYD। साथ ही साथ EV व्हीकल है तो EV की नीचे बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। प्लस में पीछे की तरफ आप देखेंगे तो पूरी ह्यूज साइज आपको LED टेल लैंप मिल जाती है, जो कि पूरी LED टेल लैंप है। साथ ही साथ नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे, दो रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे, चार पार्किंग सेंसर पीछे प्रोवाइड हो जाएंगे। प्लस में पीछे आपको नीचे की तरफ यहाँ पर आपको कैमरा प्रोवाइड हो जाता है, जो कि आपका रिवर्स पार्किंग सेंसर का काम करता है। साथ ही साथ ऑटो थ्री की आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है ऑटो थ्री। तो भाई ये टोटल इसका ओवरऑल बाहर से लुक्स है, तो काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड कर रही है गाड़ी, देखने में काफ़ी मैसिव लुक दे रही है। बात कर लेते गाड़ी के अंदर जो सनरूफ है वो पूरा पैनारोमिक सनरूफ आपको मिल रहा है, और ग्लोसी लुक में पीछे बम्पर भी दिया गया है भाई, तो काफ़ी अच्छा लुक दे रही है गाड़ी। तो जो इसका पैनारोमिक सनरूफ है बहुत ही अच्छा लुक प्रोवाइड कर रहा है। बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की, तो इंटीरियर में देख लीजिए तो इंटीरियर जो है वो गाड़ी का ड्यूल टोन कलर के अंदर मिल जाता है अपने को, थोड़ा सा स्लेटी, और प्लस में आपको क्रीम कलर का जो अंदर का इंटीरियर है वो मिलता है। प्लस में स्टेयरिंग है वो स्पोर्टी लुक में प्रोवाइड हो जाता है, गियर लीवर भी स्पोर्टी लुक में प्रोवाइड होता है। भाई इंटीरियर तो ज़बरदस्त मिल रहा है भाई, इंटीरियर में कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी ज़बरदस्त लुक प्रोवाइड कर रही है। बट लेकिन गाड़ी लॉक्ड है तो भाई अंदर से अपना इंटीरियर वगैरह हम दिखा नहीं पाएंगे। तो अगर गाड़ी अच्छी लगे तो बिल्कुल चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।